everyone, welcome to Archana Vidyalay. Myself, Vidushe, students. In this video, we will continue in our chapter number 30. Okay, today's our topic is school garden. So let's start. The students of class 3 and class 4 thought of making a vegetable garden. They chose a place which looked like this. Look at here. Here is the students of class 3 and class 4. They wanted to making a vegetable gardens and they choose that place. Look at here, garden 1 and garden 2, and here we see the path. Okay, students of both the classes thought that garden 1 was bigger. Okay, the class students of both the class, dono class ke bache aisa sochte hai ki jo garden hai wo first garden jo hai wo kaisa hai to bigger. So both wanted to take garden फर्स्ट, इसलिए वो लोग ने क्या सोचा कि दोनों गार्डन वन ही लेना चाहते हैं. सडनली नीतू से, अचानक नीतू ने कहा, आई थिंक बोथ गार्डन आर इक्वली बिग. सो सडनली नीतू इज अ क्लेवर गर्ल एंड देन शी सेड, आई थिंक बोथ गार्डन आर इक्वल इन अ साइज. क्वाइट पॉसिबल, लेट अस फाइंड आउट यू आर राइट. अब जो दूसरी गर्ल है वो क्या कह रही है, तो वो कह रही है बिल्कुल ये पॉसिबल है, हमको फाइंड आउट करने दो कि तू सच है या फिर तू झूठ बोल रही है. क्योंकि सब बच्चे छोटे हैं ना अब जैसे, तो उनको लगता है कि गार्डन वन देखो यहाँ पे बड़ा दिख रहा है, गार्डन टू यहाँ पे छोटा दिख रहा है. इसलिए दोनों बच्चों को ऐसा लगता है थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड के कि गार्डन वन जो है वो बड़ा है, इसलिए सबको कौन सा गार्डन चाहिए, गार्डन वन. लेकिन इन सब बच्चों में नीतू जो है वो बहुत क्लेवर है, तो वो कहती है कि मुझे लगता है कि दोनों गार्डन जो है वो सेम साइज के हैं. सो हाउ विल यू नीतू फाइंड आउट इफ द टू गार्डन्स आर इक्वली बिग. तो नीतू ने कैसे फाइंड आउट किया होगा कि दोनों गार्डन इक्वली बिग है. सो लुक एट हियर स्टूडेंट्स, नीतू फाइंडिंग द आंसर विद द हेल्प ऑफ कार्डबोर्ड. ओके, सो वी यूजिंग ऑल्सो द कार्डबोर्ड. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक अ पीस ऑफ अ कार्डबोर्ड एंड पुट ऑन द गार्डन वन साइज. सो लुक एट हियर, दिस इज द करेक्ट शेप ऑफ गार्डन वन, राइट. Now I want to check, I am going to check this piece with the help of this cardboard piece. Look at here. Here also the garden 2 is fixed in my cardboard, right. जैसे garden 1 का size था ये cardboard का, वैसे ही garden 2 में जब मैं वही same piece रखती हूँ तो वो भी same size का हो जाता है, right. Means both the garden sizes equal, right. This is our first activity. You also do this activity at your home. Take up one size piece of a cardboard and put on the garden 1 and garden 2 and check Neetu's answer is correct or not. Okay, second activity, look at the table in your classroom. आपको अपने क्लासरूम की टेबल देखनी है, लेकिन अभी आप बच्चे क्लासरूम में नहीं आते हो, इसलिए आपको क्या करना है, आपके घर पे जो टेबल होती है ना वो आपको देखनी है. गैस हाउ मेनी मैथ मैजिक बुक यू कैन प्लेस ऑन इट. और फिर ऐसे चेक करना है कि उस पर कितनी मैथ मैजिक की बुक एग्जिस्ट होती है. ओके बट स्टूडेंट्स, आई नो दैट यू हैव नो सो मच मैथ मैजिक बुक, यू हैव नो सो मैनी मैथ मैजिक बुक. सो डोंट वरी, टेक some books with the equal size. Okay, equal size की थोड़ी सी कुछ नोट आप नोटबुक ले सकते हो, नोट्स ले सकते हो ये एक्टिविटी करने के लिए, ठीक है. लेकिन सेम साइज की होनी चाहिए. रिमेंबर द बुक शुड नॉट ओवरलैप. ओवरलैप यानी एक दूसरे के ऊपर बुक रखनी नहीं है, सिर्फ एक बुक यहाँ पर रखी तो दूसरी बुक यहाँ पर रखनी है. ओके, ऐसे आपको करना है. डू नॉट लीव गैप बिटवीन द बुक्स, और दो बुक्स के बीच में आपको गैपिंग भी रखना नहीं है. दिस इज द कंडीशन. राइट योर गैस हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल गैस हाउ मेनी बुक्स आर एग्जस्ट ऑन अ टेबल, देन राइट द गैस नंबर. फॉर एग्जाम्पल 10 बुक, 5 बुक्स, 6 बुक. ओके, देन गैसिंग नंबर राइट हियर. देन आफ्टर नाउ चेक इफ योर गैस वॉज राइट, हाउ मेनी बुक्स कुड यू प्लेस. Now after guessing the books, then after use the correct numbers of books and write here.
names first of all only guessing put the books on the table and then after guess and write the number here then after put the books on the table and write the correct number how many books are exist on a table that number write here okay then what is the difference between you guess and the actually number of books then after write here कि आपने जब बुक्स टेबल पे नहीं रखी थी तब आपने सोचा था कि कितनी टेबल पे बुक्स रख सकते हैं और फिर जब बाद में आपने टेबल पे बुक रखी तो एक्चुअली कितनी बुक्स टेबल पे एग्जस्ट हुई वो नंबर्स कि आपने 10 बुक्स गैस की थी और टोटल 12 बुक्स आपकी टेबल पे रही थी तो कितना डिफरेंस हुआ 2 बुक्स का राइट तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 2 इज दैट क्लियर दिस इज योर सेकेंड एक्टिविटी नाउ लुक एट हियर Now look for another table. Now also using the big size of table. Is this table bigger than the last table? So yes, I use a table bigger than the last table. So I write a yes. And if you using a smaller size of table, then write tick on a no. If you using a first time big size of table, then write yes. And if you using a small size of table bigger than smaller than the first table then tick on a no okay is that clear second make a guess how many math magic books can be kept on this table then after make a guess how many math magic book can be kept on the this table then after using the use the table and keep the math magic book or any other same size books keep on the table then check it out how many books they are check if your guess was correct then after check if first of all guessing how many books are kept on the table then after check your answer is right or not then after how many math magic book could you keep then after really put the books on the table then after check how many books are actually kept actually exist on the table and that correct number right here means first time guess the table and the second time actually and really put the books on the table and check it out then the difference between the size of the two tables is blank books तो अब हमें क्या मिलेगा दोनों टेबल का साइज का डिफरेंस तो दोनों टेबल के कितना साइज का डिफरेंस आप जितनी बुक एडजस्ट करते हो उसके ऊपर से आपको पता चलेगा ओके फॉर एग्जांपल इन अ फर्स्ट टेबल माय बुक्स आर 10 आई केप्ट 10 बुक्स ऑन द टेबल एंड इन अ माय सेकंड टेबल आई यूज्ड 12 बुक्स सो डिफरेंस ऑफ टू टेबल इज 2 बुक्स Right. Third, how many math magic book can be covered with one sheet of newspaper? Then here is your third activity using the newspaper. Take a newspaper and cover on a math magic book. Then after tell how many book math magic book can be covered with one sheet of newspaper. एक बड़ा सा newspaper लेना है आपको और फिर आपकी जो book है उस पर cover up करना है और फिर देखना है कि एक newspaper में से आप कितने books cover कर सकते हो Then try covering your math magic book with the half sheet of newspaper. Then after take a half sheet of newspaper and again the cover on the book. Then check how many books you will cover with the help of newspaper. Then after can you cover your book with the smaller sheet? क्या आप आपकी छोटे से पेपर से आपकी बुक को कवर कर सकते हो नो इफ आई यूजिंग अ स्मॉल साइज ऑफ पेपर आई हैव अ नो पेपर बट आई शो टू यू वन पेज ऑफ नोटबुक इफ दिस इज द वेरी स्मॉल साइज ऑफ पेज ऑफ नोटबुक देन इफ आई वॉन्ट टू यूजिंग दिस पेज फॉर कवर द माई मैथ मैजिक बुक दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस इज अ वेरी स्मॉल साइज ऑफ पेपर एंड माई बुक इज अ बिगर देन दिस paper so it's not possible okay now find the smallest sheet which can cover your book check if your friend use a smaller sheet than you
डेट ओके। अब आपको क्या करना है, एक छोटी सीट लेनी है और फिर देखना है कि बुक पे कवर होता है कि नहीं होता है, वो भी चेक करना है कि आपके फ्रेंड ने छोटी सी सीट ली थी पेपर की तो उसने कवर किया कि फिर नहीं हुआ उससे भी, वो आपको सिर्फ चेक करना है ओके। नेक्स्ट इज अ सो इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, लुक एट हियर, विच इज द बिगेस्ट लीव इन दिस पिक्चर। स्टूडेंट्स फाइंड आउट, यू हैव 1, 2, 3 and 4 लीफ पिक्चर्स, देन विच इज द बिगेस्ट लीफ इन दिस पिक्चर, फाइंड आउट क्विकली। हाउ कैन यू फाइंड टीचर, यू से टीचर दिस ऑल आर लुकिंग इक्वली बट नॉट। लेट्स स्टार्ट टू फाइंडिंग द करेक्ट आंसर, लुक एट हियर, वी यूजिंग अ स्क्वायर फॉर फाइंडिंग द अवर बिगेस्ट लीफ ओके। सो लुक एट हियर, हियर इज अ 1, 2, 3, 4 and 5th लीफ, fifth square cover in a leaf, so we write here fifth. When we see here, here is a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 squares are covered in this leaf. Then here is a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Here also 7. And in this only 1, 2 and 3 leaf cover. Okay, so we have to answer these also 7 and these also 7. So again we check the answer 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. This is also 7. And here is a 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Means these both are the biggest, bigger leaf. Okay. Now collect some leaves from the garden. Okay students, I have 2 leaves and I was collected that from my garden. Look at here. Place each of them here on this square sheet. Okay. So one by one I place my leaf on the, this is a money plant leaf and this is a chili plant leaf. Look it carefully. Then I using the first chili plant leaf and I kept here like this in position. Okay. Can you see my chili plant leaf? Okay. Now what is, trace out their edges and check how many squares there are in each leaf. Okay. So let's start to trace out the leaf. So be careful students, because the leaf is a so small size. Look at here, I slowly trace out my leaf. Okay, because I want to correct answer. So okay, my work is finished. My chili leaf is look like this in my square sheet. Now I count two squares which covered by the chili leaf. So 1, 2, 3. Okay, three squares covered by the my chili leaf. Then I using my second money plant leaf and I will check how many squares are covered by this. I use this side and trace it with the pencil. Okay, look at here. Complete. Okay, my money plant leaf look like this. Then what we doing? We count the squares. So let's start. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 and 8. 8 squares are covered by the money plant leaf. So on the base of this activity we will give the answer. So first answer is, which is the biggest leaf? So students, here this chili leaf cover only 3 squares, so it is a small, and in my money plant leaf covered 8 squares. It means my money plant leaf is a bigger than my chili leaf, right? So which is the biggest leaf? So I write here money plant,
एंड विच इज द स्मॉलेस्ट लीफ. सो जनरली वी नो दैट चिली लीफ, राइट? सो वी राइट हियर चिली प्लांट. इज दैट क्लियर? सो आई यूज हियर मनी प्लांट लीफ एंड चिली लीफ. You can also, you may also using the any other plants leaf for doing this activity, but don't forget to do this activity at your home. Next activity is how many small squares of size 1 centimeter are there in this big green square? Okay, students, can you think a faster way to know the total number of small square without counting it? Okay, first of all, we will guess the squares. So, you know, my opinion, there are 35. Okay, I just guess about this, they are 35. So, let's start to count. Students, we will start from this side. So, here 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, in a one line, we see the 6 square. So, 6, then after 1, 2, 3, 4, 5, 6. Means 6 multiply by 6 is equal to 36. Okay, so total squares are 36. This is the easy way to finding the correct answer, right? Next, guess how many squares of 1 centimeter can fill this blue rectangle. Okay, write your guess here. So, first of all, we guess when we draw the squares in the rectangle, we just think about this. They are, you know, my opinion, they are 32. Okay, I just imagine they are 32 squares. So, let's start to check your guess by filling it with a small squares. ओके इन अ फर्स्ट सबसे पहले मैंने सोचा कि इसमें 32 स्क्वायर्स है. अब हम ये जो स्क्वायर्स है ये इनकम्प्लीट है, इसको हम कम्प्लीट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई यूजिंग अ पेंसिल एंड स्केल एंड आई ड्रॉ द लाइन्स. यू मे ऑल्सो यूजिंग स्केल फॉर ड्रॉइंग द प्रॉपर लाइन. ओके, सो माई स्टैंडिंग लाइन इज कम्प्लीट. Next, I draw the sleeping line like this. Okay, look at here. Complete. My squares are complete. Now, okay, I write here my guessing number 32 squares. 32 squares. Check your guess by filling it with the small squares. Okay, so let's start. 1, 2, 3, 4. Okay, in a one line, we see the 4 squares. Then total lines are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so 4 8s are 32, right? My answer is correct. Okay, so let's check. They are also 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. So total squares are 32. So answer is correct. Okay, let's look at the picture. Can you divide it into 4 equal pieces? Each piece should have the same number of squares. अब यहाँ पे जो squares दिख रहे हैं, total squares है, उनको 4 part में divide करना है. तो हम कैसे करेंगे? First of all, we will count the all squares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Total squares are 12. So, divide into 4 equal parts. So, what we doing? We doing division. We using a division here. 12 divided by 4 is equal to 3. Means in a each piece 3 square come. So first of all we draw here 1, 2 and 3 and a divide in a 4 equal pieces. So we using like this, we draw like this, 1, 2, 3 and 4, right? Just draw better than me, okay? My line is going outside, it's incorrect, okay? Now it will look clearly. So, in each line we see the 3 squares, so 3
प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री इज इक्वल टू टोटल 12. ओके, सो हियर अवर दिस एक्टिविटी वॉज कम्प्लीट. नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द वन पजल, अ हाउस एंड द वेल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. राघवन हैज अ पीस ऑफ लैंड. लुक एट हियर, दिस इज द राघवन पीस ऑफ लैंड. देर आर फोर हाउसेज ऑन हिज लैंड. और उसके लैंड में कितने हाउस है? तो 1, 2, 3 and 4 हाउस है. एंड इन द मिडल देर इज अ वेल. एंड इन द मिडल जो लैंड है, मिडल में क्या है? तो एक छोटा सा वेल है. ही वॉन्ट्स टू डिवाइड दिस लैंड इक्वली अमोंग हिज फोर चिल्ड्रन. अब ये जो हाउसेस है वो उनके फोर चिल्ड्रन के हाउस है. और उनको क्या करना है? तो ये जो वेल है ना, उसको ऐसे डिवाइड करना है, ये कि जिसमें उनके जो चार बच्चे रहते हैं ना, उनके चार बच्चों के घर है, उनको ये वेल का पानी अच्छे से मिले. ईच शुड गेट वन हाउस एंड बी एबल टू यूज द वेल विदाउट एंटरिंग द अदर्स लैंड. अब यहाँ पे कैसे है? तो जो घर जो है उनको ये एक, उनको लैंड का एक पार्ट भी मिलना चाहिए. और फिर हमको कैसे डिवाइड करना है कि उनको लैंड भी मिल जाए और उनको वेल भी मिल जाए और वो किसी के अंदर भी एंटर ना हो. जब उनको पानी लेना है तो वो किसी और की लैंड में एंटर नहीं हो, इस तरीके से उनको डिवाइड करना है. ओके, कैन यू हेल्प हिम डिवाइड द लैंड. क्या आप उनको ये लैंड डिवाइड करने में हेल्प करोगे? गिव डिफरेंट कलर्स टू ईच वंस शेयर. ओके, अब आपको क्या करना है? तो जितने भी शेयरिंग आप कर रहे हो ना, उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज़ करना है. यानी फर्स्ट शेयर के अंदर आपको रेड कलर यूज़ करना है, सेकंड शेयर के अंदर आपको ब्लू कलर यूज़ करना है, या कर सकते हो, यू मे यूज़, इट्स योर चॉइस. इन अ थर्ड शेयर यू कैन यूज़ अ ग्रीन कलर, एंड इन अ फोर्थ स्क्वायर यू कैन ऑल्सो यूजिंग एनी कलर विच यू वॉन्ट. ओके, so but I using only my pencil and I only showed to you the proper way. First of all, just think about this. अगर एक कुआ है और चार हाउस है और चारों को पानी मिलना चाहिए तो कैसे एडजस्ट होगा, वो आपको सोचो. पहले आपको सोचना है, ठीक है, बाद में मैं आपको आंसर बताऊंगी. सोचो. ओके, नाउ आई गिव टू यू आंसर. स्टूडेंट्स लुक एट हियर, हियर इज द फर्स्ट हाउस. ओके, सो दिस हाउस गेट द दिस 1, 2, 3 and 4 लैंड. यू गॉट इट? यानी ये फोर लैंड जो है वो ये हाउस को मिलेगी, उसे ये वेल का पानी मिल जाएगा, ठीक है. नाउ सेकेंड, दिस हाउस टेक दिस लैंड, राइट. तो उसको यहाँ से ये वेल का पानी मिल जाता है, ये वाले घर को ये वेल का पानी मिल जाएगा, ठीक है. नाउ वी हैव अ टू मोर हाउस. सो स्टूडेंट्स, दिस हाउस टेक दिस फोर लैंड्स, 1, 2, 3 and 4. ओके, सो दिस हाउस टेक दिस फोर लैंड. सो दिस हाउस पीपल गेट दिस वेल्स वाटर. देन वी हैव ऑल्सो वन मोर. So these house get this four land. Okay, so students, can you get the answer? Oh right, is a very nice puzzle. Okay, but I only using the line here, I only draw the line here, but you use the colors and draw in this. Here fill the red color, here fill the yellow color, here fill the green color, and here fill the blue color, and make this activity excellent. Okay, so students, here our this chapter number 13 was completed. In the next video we will continue in this book chapter number 14. Okay, and don't left any work in your notebook and in your workbook. Okay, so bye bye, take care, thank you.